जहां बलिदानियों की पूजा हुई है, जहां इस धरती माता के लिए मर मिटने वालों के सदा मेले लगते हैं और इस धरती का उपभोग करने वालों को भारत का समाज कभी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता। मध्य प्रदेश से भी कई वीर रहे हैं जिन्होंने देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी माटी मेरा देश ये एक अनूठा अभियान है। 15 अगस्त 2023 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर ये अभियान शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि ये अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम कदम है। और ऐसा नहीं है कि आज ये मेरी माटी मेरा देश अभियान या भारत माता का वंदन या वीरों का अभिनंदन या फिर जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन होम किया उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये कभी पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं। परंतु आज जब हम अमृत काल का महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं और आजादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अब हम एक अगले पायदान के ऊपर जाते हुए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं और भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे समय के ऊपर मेरी माटी मेरा देश ये अभियान अत्यंत सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। आज देश के हम अपनी संस्कृति अपनी विरासत के ऊपर सम्मान उसकी पुनर्स्थापना कर ये मेरा देश एक था एक है एक रहेगा ये प्रण हम वहां से लेंगे। इस प्रकार मेरी सहभागिता इस राष्ट्र के निर्माण में क्या होगी ये प्रण लेते हुए हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका के अंदर लगेंगे। आज जहां देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग इस माटी का पूजन करते हुए माटी का वंदन कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में भी और 15 अगस्त से शुरू हुआ अभियान आज हमने इसका श्री गणेश शिमला जिला से किया है और इसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाएंगे, समाज को और झकझोर करके जगाते हुए भारत की माटी को और नमन करते हुए पंच प्राण लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। इतना संदेश आज के दिन मुझे दिया। सर, वहीं पर पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रहा है, तो कांग्रेस ने इस पर कहा है कि भाजपा का ये एक और जुमला है, हार को देखते हुए भाजपा घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज जुमला नजर आती है, देश बदल रहा है। कांग्रेस तब भी कहती थी भारत आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ेगा। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 11वें पायदान के ऊपर देश को छोड़ा, मोदी जी इसको 5वें पायदान के ऊपर लाए। अरे अभी तो हमको दुनिया में तीसरी महाशक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है, उनको जुमला नजर आ रहा था। वो जुमला हकीकत में बदला, 80 करोड़ देशवासियों को जब फ्री का राशन मिला तो कांग्रेस कहती थी ये जुमला है, वो पिछले 3 साल से निरंतर मिल रहा है। कांग्रेस कहती थी जुमला है, ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। वो वैक्सीन भी बनी, 230 करोड़ वैक्सीन वो लगी।